यमुना के किनारे बसी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जहां वासुदेव की लीलाएं और सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम है, जहां की रोजमर्रा की जिंदगी में भी ईश्वरीय उपस्थिति का एहसास होता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले मंदिरों, बाग बगीचों, गीत संगीत, नृत्य और कला के बीच मथुरा की एक और खासियत है जो इसे सबसे अलग बनाती है, और वो है यहाँ का जायका। मथुरा के जायके में एक और खास बात है, वो है इसमें घुली मिठास का। और जब बात यहाँ के मिठास की हो तो भला मथुरा के पेड़ों का जिक्र कैसे ना हो। मथुरा के पेड़ों से अच्छे और स्वादिष्ट पेड़े दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलते। अगर आप पारंपरिक मथुरा जी के पेड़े का एक टुकड़ा भी चख लेंगे तो कम से कम 4-5 पेड़े से कम खाए बिना नहीं रह पाएंगे। मेरे हाथ में पेड़ा है और आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं बात करने जा रही हूँ मथुरा के पेड़ों के बारे में। पेड़े तो हम सभी खाते हैं, जब मथुरा आते हैं तो सबसे पहले मुंह में मिठास आती है और याद किसी बात की आती है तो वो है पेड़े। लेकिन दरअसल ये जो पेड़े हैं ये बनते कैसे हैं, ये कभी आपने सोचा है? तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पेड़े बनाए जा रहे हैं और क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे यहाँ पर कारीगर जो है वो पेड़े बना रहे हैं। और यही कहें कि यहाँ से ही ये जो पेड़े हैं ये आप तक पहुँचते हैं, ये दरअसल एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को शुरुआत इसकी कैसे होती है ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त ब्रिजवासी पेड़े। जब यहाँ पर आप आते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? ब्रिजवासी पेड़े का। ब्रिजवासी पेड़े की शुरुआत करने वाले हमारे साथ उनके मालिक इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सतीश अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि कैसे पेड़े जो है जब लोगों तक पहुँचते हैं तो ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? ये प्रोसेस होता है दूध से। पहले दूध का मावा बनता है, जो आप देख रहे हैं ये बॉयलर हैं, इनका दूध से मावा बनता है। मावा रात भर बनता है, उसको यहाँ स्टोर करते हैं मावे को, और फिर ये पेड़ा बनने का शुरुआत होती है कढ़ाइयों में। इसका एक मेजरमेंट है, इतना हमको खोआ डालना है, इतनी चीनी डालनी है, इतनी इलायची डालनी है। ये केवल 3 चीज़ों की भूमिका है इसमें, चौथी चीज़ में नहीं डलती है। मावा बूरा, चीनी का खांड का बूरा बनता है वहाँ पर, और बूरा और इलायची, चौथी चीज़ में कोई चीज़ नहीं है। यानी कि ये मैं जो पीछे देख पा रही हूँ ये मावा यहाँ पर तैयार हो चुका है? जी हाँ, मावा तैयार होकर के वो 20 किलो मावा एक कढ़ाई में डाला हुआ है। अब ये वाइट है, वाइट को ये इसको चलाते चलाते इसकी बुनाई करते हुए इसको रेड कर देते हैं, और उसके बाद में इसमें बूरा, इसको ठंडा करके बूरा और इलायची ये लाया जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमें बता रहे हैं सतीश जी भी कि ये मावा है जो यहाँ पर आ चुका है, दूध से सबसे पहले मावा बनाया गया है, और मावे का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होने के बाद फिर यहाँ से ये जाता है, इसको भूना जाता है, और इसके बाद ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है ये आगे बढ़ता है। ये जैसे आप देख भी पा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो कारीगर है ये मावे को भून रहे हैं। इसको कढ़ाई में डाल के भूना जाता है, फिर वो धीरे धीरे लाल होता है, लाल होने के बाद में फिर कड़ा नीचे उतरता है, उसके बाद बूरा लगता है, वो इलायची लगती है, और उसके बाद वहाँ जनता बनता है पेड़ा। कितना वक्त लगता है इसमें? इसमें 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लगता है इसमें बनाने पकने में। अभी ये बना नहीं है? अभी बना नहीं है, अभी इसे एकदम रेड हो जाएगा लाल, उसके बाद ये यहाँ आएगा, नीचे उतरेगा, उतरने के बाद में ठंडा होने के बाद ठंडा मैं देख पा रही हूँ, मतलब वहाँ से वो भुनने के बाद यहाँ पर नहीं, वो हर एक भट्टी में अलग अलग पकेगा, अलग अलग रेड होगा, वो वहाँ सफ़ेद है, फिर उसके बाद लाल होता जाएगा धीरे धीरे भट्टी पे। ये पेड़ा कितना भुन चुका है अब? अभी थोड़ा सा भुना, थोड़ा सा और भुनेगा अभी। कितना वक्त और लगेगा? अभी इसमें आधे घंटे और लगेगा। इसमें कितनी चीनी मिलाई गई? इसमें ये चीनी लगी है। तो ये जब खोया डालते हैं उसी के साथ चीनी मिलाते हैं या जब थोड़ा भुनता है? अभी थोड़ा भुनेगा, इसके बाद तब लगेगा चीनी। तो यानी अब सोच लीजिए आप कि जो पेड़ा आप तक पहुंचता है उसको तैयार होने में कितना मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है,
और जो प्रोसेस है वो भी ये कहें कि इतना आसान होता नहीं है। शायद जिन चीज़ों को हम बना हुआ देखते हैं वो हम तक जिस प्रक्रिया के तहत पहुँचती हैं वो इतनी आसान होती नहीं है। पूरे कितने कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं। वो पेड़ा जो यहाँ की खासियत है, वो पेड़ा जो कहीं ना कहीं जब हमारे मुँह में आता है और हम जब खाते और कहते हैं वाह, तो ये जो पूरे की पूरी एक प्रक्रिया है वो इतनी आसान होती नहीं है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारी 5 पीढ़ी निकल गई इस काम को। 5 पीढ़ी, 5 पीढ़ियों का तो हम मेरी जानकारी में है, उसके बाद भी है, उसके पहले की जानकारी नहीं है। इतना वक्त के साथ बदलते बदलते ये कहें कि ये आपको लगता है कि बदलाव आया है प्रोसेस में भी, तमाम चीज़ों में भी? हाँ, तमाम चीज़ों में आया है। पहले जो है कंडों पर, कंडे की आँच में सकता था, अब ये बॉयलरों में सिक रहा है, बॉयलरों में या उससे कोयले से, डीजल से। यहाँ पे मैं ये भी देखना चाहूँगी कहाँ पे इनको ठंडा किया जा रहा है, इनको ठंडा कहाँ पर? ठंडा ये किया जा रहा है, ये पंखे लग रहे हैं, ये ठंडा हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, देखिए अभी जिस तरीके से वो कढ़ाई में खोया भून रहा था, उसके बाद ये यहाँ पर इसको रखा गया है ठंडा होने के लिए। जो इसमें चीनी मिलाई जाती है ठंडा होने के बाद मिलाई जाती है? हाँ जी हाँ। अभी इसमें चीनी मिली है? इसमें नहीं मिली है, वो मिला करके तैयार हो गया। तो ये अब यानी कि ये सेकेंड स्टेप है, जो कढ़ाई तक आया, इसके बाद खोया, इसको भूनने के बाद यहाँ पर ये देखिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा गया है। तो जो खोए को मिक्स करने का जो प्रोसेस है वो अब यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगी, ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो कारीगर हैं अब खोए में चीनी को मिक्स कर रहे हैं। ये खोया जो ठंडा हो गया है और अब इसमें चीनी को मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं देख रही हूँ, उसको भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इसमें क्या कुछ हो रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये मैं ज़रा सतीश जी से ही समझती हूँ। सतीश जी यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ऊपर ये बॉयलर है, जैसा कि पहले कढ़ाइयों पर काम होता था, अब नहीं, ये है कि बॉयलर से काम हो रहा है। यानी कि जो पहले ट्रेडिशनल तरीका हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अब बदल रहा है, जिस तरीके से ये मतलब वाकई कहीं की इंटरेस्टिंग है ये सारी की सारी चीज़ें कि पहले कैसे ये काम होता था और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो आगे कैसे कैसे हो रहा है। यानी कि कम वक्त में जल्द से जल्द पेड़े तैयार हो जाए, इसको लेकर जो प्रोसेस है वो अब बॉयलर के जरिए भी पूरा किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसका भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर एक तस्वीरों के जरिए हम बयां कर रहे हैं। तो पेड़ा जो भून भी गया, उसको ठंडा भी कर लिया गया, लेकिन अब इसके बाद इसको शेप देने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं इसको तैयार करने के लिए और इसको एक शक्ल देने के लिए। जो ये पेड़े हैं ये बस आप तक पहुँचने के लिए तैयार हो गए हैं और इनकी जो मिठास है वो आप तक पहुँचने के लिए तैयार हो गई है। तो यानी कि ये आखिरी प्रोसेस है। सतीश जी अंतिम प्रक्रिया में पहुँच गया? जी हाँ, ये पेड़े तैयार हो गए, अब यहाँ से पैक होकर के लोगों के लिए पहुंच। जी हाँ जी हाँ जी, पूरी की पूरी प्रक्रिया जो सतीश जी हमें बता रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पेड़ा जिसकी मिठास वाह इतना स्वादिष्ट है, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं तो इसे खा रही हूँ, आपको कैसे मौका मिलेगा खाने का, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ ये पेड़ा जिसका स्वाद आप भी जल्दी चख पाए और ये कहें कि मिठास हमेशा ही आपके जीवन में बरकरार रहे। आगरा का जिक्र आते ही सबसे पहले कुछ याद आता है तो वो है पेठा। पेठे के बिना आगरा अधूरा सा है। वैसे तो पेठे के को लेकर बहुत सारी दिलचस्प कहानियां भी हैं, मुगल काल से भी इसको जोड़कर देखा जाता है। वक्त बीतता गया लेकिन यूं कहें कि पेठा आज भी वैसा ही है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि पेठा दरअसल तैयार किससे किया जाता है। ये देखिए ये पेठे का फल है जिसे एश पम्पकिन भी कहा जाता है, यानी कि पम्पकिन की ही फैमिली का एक फ्रूट है ये, जिसे तैयार किया जाता है पेठा। यानी कि सबसे पहले वो एक रॉ प्रोडक्ट जो पेठे को लेकर सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिससे शुरुआत होती है पेठे की, वो ये फल है। अब देखिए ये कारीगर है जो इस पेठे के फल को काट रहे हैं। इसको काटने में क्या कुछ तरीका अपनाया जाता है खास तरीका? जी ऐसा है, पहले ये फल है, इस फल को हमने लिया और इस फल को हम काटेंगे तो इसमें से हम 4 फांक बनाएंगे। बढ़िया 4 फांक बनाने के बाद फिर इसका गूदा साफ करेंगे, इसमें बीज नहीं होना चाहिए, बीज निकल जाएगा, फिर उसके बाद हम इसकी छिलाई करेंगे।
सिलाई करने के बाद फांक बन जाएगी हमारी बढ़िया। फांक बनने के बाद फिर उसके क्या नाम है वहाँ गुदाई होगी मशीन पे जाके। मशीन पे गुदाई कराने के बाद जैसे ऐसे गुदते हैं ना उसमें मशीन में, फिर उसको डाला जाएगा चूने के पानी में। चूने के पानी में डला रहेगा करीबन आधा घंटा। आधा घंटा चूने के पानी डालने के बाद ये हो जाएगा टाइट, यानी कि इसमें कड़क बना जाएगा। और उसको कड़क बना आने के बाद फिर इसके हम पीस बनाएंगे। अच्छा, आपने हाथ में दस्ताने भी पहने हैं, मतलब कुछ ध्यान भी रखा जाता है इसको काटते वक्त? जी, ये छुरी है हमारे हाथ में, अगर ये नहीं पहने तो इससे छिलका से हमारा चाकू स्लिप होके हमारे हाथ में भी लग सकता है, उंगली भी कट सकती है, कहीं भी लग सकता है, इसलिए ये सेफ्टी के लिए होता है। अच्छा, एक बार आप मुझे काट के दिखाइए। अच्छा जी जी, ये देखो ये पेठा हमने काटा और इसका ये गूदा हमने साफ किया। ये और ये देखो ऐसे इसको सिला जाए, इसको छिलका उतार रहे हैं। हाँ जी, इसका छिलका उतार रहे हैं आप। ये देखो ऐसे छिलका उतरता है इसका। ये छील के हमने यहाँ डाल दिया अपना। तो ये देखिए, ये पेठा जिसको छीला जा रहा है, पहले इसको काटते हैं फिर छीलते हैं। जो काटने का तरीका होता है वो भी खास तरीके का होता है। वो ऐसा है जैसे हमें अंगूर बनाना है। हाँ। तो अंगूर का हम गोल चक्का काटेंगे इसका। एक बार काट के दिखाएंगे जी। अब जैसे हमें अंगूर बनाना है इसमें से, तो देखो ये काटा हमने, ये काटा, ये है। अब इसमें से हम साइड में से माल बाल जो है दिखाई दे रहा ना, हाँ। इसमें से अंगूर निकालेंगे हम। जैसे ये वैरायटी हमने अंगूर के लिए काटी है, अब इसमें से अंगूर को हमें खींचना है। देखो इस तरीके से, जैसे ये है तो ये इस तरीके से हमने इसमें से अंगूर की साफ वैरायटी खींच ली है। ये अब इसी को एक बार ये हमें जरा दिखा दीजिए। देखिए किस तरीके से इसको निकाला गया है। इस तरीके से निकाला है। ये जो अंगूर पेठा जिसे कहा जाता है उसके लिए ये शेप तैयार की गई है। अच्छा, इसके अलावा भी इस अंगूर पेठे के अलावा भी इससे किसी और तरह का पेठा भी निकालते हैं? जी हाँ। तो क्या होता है? कंचा पेठा है। एक बार वो भी दिखा देंगे? जरूर। यानी कि पेठे को जब रॉ फ्रूट होता है उसी से इसको शेप देने के लिए अलग अलग तरीके का अपनाया जाता है कि किस तरह का पेठा बनाया जाना है। जी ये लीजिए, देखो ये चम्मच से हम इस तरीके से निकालेंगे इसमें से। ये देखो ये निकला, यानी कि रसगुल्ले की तरह। हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मानिए रसगुल्ला बन रहा हो, रसगुल्ले के शेप का ही ये लग रहा है, राउंड शेप, जिसे कंचा पेठा भी कहा जाता है। वाकई जो इसका प्रोसेस है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। रॉ फ्रूट जिसको अलग अलग शेप दी जाती है और इन शेप के बेसिस पे ही जो अंगूर पेठा है उसका नाम भी रखा जाता है। तो अभी आपने देखा जो फल था वो वहां पर काटा गया और अब यहां पर देखिए जो मशीन के जरिए आगे का प्रोसेस हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं आप? जी मैं इस बांक की गुदाई कर रहा हूँ। अब देखो इसमें ये गुदाई हो जाएगी, उसके बाद फिर ये चूने के पानी में डाली जाएगी। अच्छा, तो इसके पहले भी इसको चूने के पानी में डाला गया? जी, उससे ऐसा है कि थोड़ा सा इसमें टाइट बना जाता है, इसलिए चूने के पानी में डाल दिया। यानी कि साफ तौर पे पहले जो रॉ फ्रूट होता है उसको काटा जाता है, इसके बाद पहले फिर चूने के पानी में डाला जाता है ताकि उसमें हार्डनेस आ जाए। मशीन से आप इस पेठे को गोदा जा रहा है ताकि इसके अंदर जो रस है वो जा सके। ये देखिए देखिए आगे का काम कैसे हो रहा है। अच्छा, जो छोटे छोटे पेठे आपने काटे थे उसको कैसे गोदते हैं? उसको भी ऐसे ही डाला जाएगा इसमें। मशीन में डालते हैं? मशीन में, हाँ, अपने आप मशीन में हम डालते जाएंगे। हाँ। और वो गुद के बाहर अपने आप निकलते जाएंगे। मैं आप दिखाएंगे जरा कैमरे पे, दिखाएंगे ये गुद कर किस तरह से तैयार? हाँ, गुद करके ये तैयार हो गया, देखो ऐसे। एक बार ये कैमरे की तरफ दिखा। ये देखो ये गुद करके बिल्कुल तैयार हो गई कम्प्लीट। अब इसको गोदने के बाद हम फिर इसको दोबारा से चूने के पानी में डालते हैं। यानी गोदने के बाद इसको फिर से चूने, फिर से क्यों चूने के पानी में डालते हैं इसको? ये गुदाई होने के बाद मुलायम पड़ जाती है। हाँ। और चूने के बाद पानी में डलते ही फिर दोबारा से टाइट हो जाएगी। ये देखिए ये जो अंगूर पेठा था
जिसको तैयार किया गया था, अब उसको डाला जाएगा इस मशीन में ताकि उसको गोदा जा सके। जिस भी तरह का शेप होता है पेटे का, एक ही तरह की मशीन इस्तेमाल होती है? जी हाँ, इन आइटमों के लिए जो रस का जो आइटम होगा उसके लिए मशीन का इस्तेमाल होगा। तो ये अभी आपने देखा कि कैसे पेचे को गोदा गया है, और अब इसको चूने के पानी में डाला जाएगा साफ होने के लिए। चलिए आगे देखते हैं अब इसको चूने के पानी में कैसे डाला जाएगा और कितना वक्त वहाँ पर इसको छोड़ा जाता है। चलिए आगे की आप जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। यानी कि पहले इसको काटा गया, शेप दी गई, चूने के पानी में पहले डाला गया, शेप देने के बाद फिर से चूने के पानी में डाला जा रहा है ताकि ये फिर से हार्ड हो पाए, यानी कि कड़ा हो पाए और इसमें चाशनी अंदर तक चली जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी जो मिठास आप महसूस करते हैं उसमें कहीं कमी ना आए, इसका ध्यान रखा जाता है। तो अभी आपने देखा दोबारा से चूने के पानी में डालने के बाद पेठे को फिर अब चूने के पानी से कैसे क्लीन किया जाता है, आगे का क्या प्रोसेस है ये अब हम समझ रहे हैं। अभी आपने देखा भी कैसे इसको चूने के पानी से क्लीन किया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है? ये इसको चूने का पानी का रिमूव किया जा रहा है, इसको वॉश आउट किया जा रहा है। इसके वॉश आउट जितना बढ़िया हो जाएगा पेठे की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया बनती है। कितनी बार इसको धोया जाता है? ये तो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्ट्रियों के ऊपर, अपने ब्रांड के ऊपर। हमारे यहाँ तो वॉश आउट को बहुत ध्यान रखा जाता है, इसको वॉश आउट कम से कम हम 8-10 बार करवाते हैं। यानी कि ये कहें कि जो पेठा है वो जब चूने के पानी से जितनी अच्छी तरह धुलेगा उतना ही अच्छा। चूने की मात्रा उसमें रहनी नहीं चाहिए पेठे में। यानी कि जो इसका कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब चूने के पानी से इसको साफ कर दिया जाता है। जैसा राजीव जी बता रहे हैं कि जितनी बार ये धोया जाएगा उतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चूने का पानी बिल्कुल भी ना रह जाए, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद ये पानी में धोने के बाद अब इसको कहाँ लेकर जा रहा है? इसको पानी में बॉईल किया जाएगा पहले मैम। और हमारे यूनिट में सबसे खास ध्यान रखा जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ आरओ का पानी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये भी ध्यान होता है? बिल्कुल, पेठे की क्वालिटी आरओ पानी से ही बनेगी। जो ग्राउंड वाटर लेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी पेठे की। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि जो इसको धोया जाता है जिस तरीके से वो चूना ना रह जाए, और जिस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे भी स्वाद पर कहीं ना कहीं असर होता है। अब इसको बाद धोने के बाद इसको फिर अब पानी में डाला जाएगा, बॉइलिंग वाटर में डाला जाएगा। चलिए समझते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। पहले चूने के पानी में डाला गया, फिर साफ पानी में डाला गया, फिर चूने के पानी में डाला गया, और अब साफ करने के बाद इसको आगे क्या कुछ हो रहा है वो समझते हैं। राजीव जी, अब क्या किया जा रहा है? अब ये प्लेन वाटर में बॉईल किया जा रहा है पेठा। इसको टेक्निकल भाषा में कारीगर जोश बोलते हैं। ये जोश के ऊपर भी पेठे की क्वालिटी डिपेंड करती है। कितनी देर बॉईल करेंगे? 20 मिनट इसको बॉईल किया जाता है पानी में। जितना ये बॉईल अच्छा होगा उतना ही पेठे की क्वालिटी बढ़िया बनती है। इसको बॉईल किया जा रहा है, और जितना ज़्यादा ये बॉईल होगा कह रहे हैं जैसे राजीव जी कि उस उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी पेठे की। बॉईल करने के बाद क्या करेंगे? बॉईल करने के बाद इसको शुगर सिरप में बॉईल किया जाता है। तो अभी बॉईल हो गया पेठा, अब इसके बाद उसको शुगर सिरप में डाला गया है। अब इसके बाद इसको कितनी देर रखा जाएगा इसमें? इसको 1 घंटा रखा जाएगा ड्राइनेस के लिए। उसके बाद इसमें अकॉर्डिंग फ्लेवर, इसमें फ्लेवर ऐड किए जाते हैं जैसे केवड़ा है, केसर है। तो 1 घंटा चाशनी में रखा जाता है, और उसके बाद आप चाशनी में ठंडे होने के बाद पेठे को निकाल लिया गया है जो फाइनली तैयार हो चुका है। इसमें अलग अलग फ्लेवर मिलाए जाएंगे और उसके बाद इसको पैक करके फिर दुकानों तक भेजा जाएगा, यानी कि आप तक तैयार पहुँचने के लिए अब तैयार है पेठा। तो
ये देखिए ये केसर पेठा जो बन करके तैयार है, अब बस इसको पैक किया जा रहा है। पैक होने के बाद ये दुकान में जाएगा और इसके बाद आपके घरों तक ये पहुंचेगा और आपकी मिठास को बढ़ाएगा। तो शायद अब आप समझ रहे होंगे कि जो पेठा दरअसल आप खाते हैं उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो कितना लंबा है। तो इसकी दिलचस्प कहानियाँ भी हैं जो हमने आपको बताई हैं और जो पूरा प्रोसेस है वो भी हमने आपको दिखाया है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।